रसायन का चौथा पाद है हमारा आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक है, आयुर्वेद समुत्थानीय नाम क्या है, क्यों है इसका, तो आयुर्वेद के समुत्थान के लिए, उसको और आप कैसे बढ़ा सकते हो उसको लेके यहाँ पे एक जो है वो चर्चा की गई थी, इसलिए यहाँ पे क्या इसका नाम क्या है, आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय है। ठीक है, वैसे इसमें जो ऋषि हैं वो भी इकट्ठे हुए थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस नहीं बोलते हम इसको, मतलब जैसे होता है ना कि हमसे पूछा जाता है कि आयुर्वेद है, सॉरी जो चरक संहिता उसमें कितनी संभाषाएं, हम आपको बहुत बार बोलते हैं तो 7 संभाषाएं हैं टोटल। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है रसायन में, इसमें भी ऋषि आदि सब इकट्ठे हुए, लेकिन इसको वैसे प्रॉपर सब भाषा में कंक्लूड नहीं करते हैं। जो लास्ट संभाषा यानी ये जो हमारे पास सेकंड बुक है, इसमें एक ही संभाषा बताई गई है, वो भी सिद्धि स्थान के 11वें अध्याय में है, फल मात्रा सिद्धि में, और कहीं नहीं, यहीं पे, यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको वैसे उस फॉर्म में नहीं लेंगे, जस्ट डिस्कशन है यहाँ पे। तो 4 नंबर श्लोक में देखिए, 4 नंबर श्लोक इसकी 3rd लाइन में हाईलाइट करना, ग्राम्यो ही वासो मूलम अशस्तानाम, सभी अशुभ जितने भी अशस्ता नाम यानी सभी दुख हैं, जो उनका मूल कारण किसका है, ग्राम्य वास, ग्राम्य वासो ही, गांव या नगर आदि में निवास करना, सभी जो अशुभ हैं, अशुभ मूल मतलब दुख है, उनका मूल कारण यही बताया गया है। उसके बाद है हमारा 6 नंबर श्लोक में देखिए, 6 नंबर श्लोक में इंद्रोक्त रसायन को आपने हाईलाइट किया, इंद्र रसायन पूछे तो वो हमारा 3rd तृतीय पाद में है, इंद्रोक्त रसायन बोले तो वो हमारा 4th पाद में यहाँ पे बताया गया, आप यहीं पे लिख लीजिए 18 ड्रग्स, 18 ड्रग्स इसमें बताई गई है, हमें याद नहीं करनी कौन सी है, बस लिख लीजिए 18 ड्रग्स हैं। आप पेज के टॉप पर ये चीज लिख सकते हैं, इंद्र रसायन 3rd पाद, इंद्रोक्त रसायन 4th पाद, इंद्रोक्त रसायन 4th पाद में। फिर है हमारा 7 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक में यहाँ लिखा है द्रोणी प्रावेशिक रसायन, द्रोणी एक बोट शेप आपने नौका टाइप का कुछ बनाना है, उसमें प्रवेश करके आप रसायन का प्रयोग करोगे, तो कौन कौन से रसायन है द्रोणी प्रावेशिक में, पहली लाइन में आपने हाईलाइट किया ब्रह्म सुवर्चला, ब्रह्म सुवर्चला लिखा है ना, फिर इसी लाइन में लास्ट की तरफ देखना आदित्य परिणी करके लिखा हुआ है, उसको उसको हाईलाइट किया आपने, ब्रह्म सुवर्चला आदित्य परिणी, फिर सेकंड लाइन लास्ट में देखना नारी करके लिखा है, तो नारी को आपने हाईलाइट किया, सिर्फ जो ड्रग्स है उनके नाम आपको हाईलाइट करने हैं इसमें से, तो ब्रह्म सुवर्चला आदित्य परिणी नारी। 3rd लाइन में देखना मिड से थोड़ी आगे की तरफ काष्ठ गोधा करके लिखा है, वो आपने हाईलाइट किया, फिर 3rd लाइन लास्ट में ही लिखा है सर्पा, सर्पा को हाईलाइट किया, 4th लाइन में देखिए सोम करके लिखा है, सोमो नाम औषधि राज है पंचदश्व परवा, यहाँ ये इतनी लाइन हाईलाइट की सोम वाली, तो सोम। नेक्स्ट लाइन में है पद्म को हाईलाइट किया, पद्म, और उसी लाइन में आगे की तरफ है अजा, अजा को हाईलाइट किया, नेक्स्ट लाइन में है नीला, विज्ञायते नीला करा है ना, तो नीला को आपने हाईलाइट किया, तो आपने क्या क्या वर्ड हाईलाइट किया, ब्रह्म स्वरचला आदित्य परिणी नारी काष्ठ गोधा सर्पा सोम पद्मा अजा और नीला, ये आपने हाईलाइट किया। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, जो द्रोणी प्रावेशिक उनमें कौन कौन सी ड्रग हैं, आप लिखिए BANK, बैंक, SSPAN, बैंक्स, बैंक्स ऐसे बोल सकते हैं, बैंक्स स्पान, BANKS, बैंक्स, SPAN, बैंक्स पान, इससे याद रखना है। तो ब्रह्म सुवर्चला आदित्य परिणी नारी काष्ठ गोधा सर्पा सोम पद्मा नीला, पद्मा अजा और नीला। ठीक है, इसमें से भी अब सभी ड्रग्स के कुछ आइडेंटिकल फीचर्स बताए हैं, ब्रह्म सुवर्चला कैसी हो गया, आदित्य परिणी कैसी और नारी है कैसी, काष्ठ गोदा, सोम वाली जो है वो सोम को तो औषधियों का राजा बोलते हैं, और इसमें क्या 15 जो है वो पत्ते होते हैं सोम, जैसे हमारा चंद्रमा होता है ना कि जब शुक्ल पक्ष होता है तो उसमें बढ़ता जाता है, छोटा होता है फिर थोड़ा साइज बड़ा हो गया, पूर्णिमा के दिन बिल्कुल फुल मून बोलते हैं ना उसको, फुल होता है मून,
फिर उसके बाद जब कृष्ण पक्ष होगा तो धीरे धीरे घटता जाते हैं। उसी प्रकार से ये सोम नाम की औषधि होती है, सबसे औषधियों का राजा इसको बोला गया। 15 पत्ते होते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा आपका साइज में बढ़ रहा है, इस पे पत्ते बढ़ते जाते हैं, 15 हो जाते हैं मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे चंद्रमा कम होगा यानी अमावस्या के टाइम पे बिल्कुल सारे पत्ते इसके झड़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। सोम नाम की है ये। आप इसी पेज के टॉप पर लिखना चरक, चरक लिखे दिव्य औषधि 8। आपसे पूछे चरक के अनुसार दिव्य औषधियां हैं, तो आप लिखिए 8, 8 होती हैं। फिर लिखिए द्रोणी प्रावेशिक रसायन, द्रोणी प्रावेशिक रसायन में 9 औषधियां। द्रोणी प्रावेशिक में 9 ड्रग्स हैं ये जो ली हैं, लेकिन दिव्य औषधियां पूछे तो 8 ही बतानी है आपने, 8। ये हमने द्रोणी प्रावेशिक में पढ़ तो लिया कि क्या क्या ड्रग्स हैं। आप हिंदी में देखिए, हिंदी की 9 ये जो 9 लाइन है यहां तक इनके नाम लिखे हुए, फिर 10 नंबर लाइन से देखना यहाँ पे 8 औषधियों में जो जो औषधियां प्राप्त हो जाए उन औषधियों का स्वरस पीकर वो तृप्त हो जाए और फिर भर पेट होकर यानी वस्त्रहीन होकर उसको स्नेह से भावित, मतलब पेशेंट उसको अभ्यंग कर दे और भरपेट इन इन ड्रग्स में से जितनी भी आपको मिल जाए उनका स्वरस पिलाना है, स्नेह से भावित एक पलाश की नौका बनानी है, मतलब पलाश जो वृक्ष है ना उससे बनी होनी चाहिए बॉट, उसमें पेशेंट को क्या करना है लेटाना है और मूर्छित तो जाए वो उसमें, सो जाए एक तरीके से, और 6 मास के बाद फिर जब उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा प्रत्येक अंग को उसके बल मिल जाएगा, बल स्थिर रखने के लिए उसको बकरी का दूध देना है। 6 महीने के बाद उस व्यक्ति का वर्ण वय स्वर आकृति बल प्रभा देवताओं के समान हो जाती है, सभी संपूर्ण शास्त्र का ज्ञाता, नेत्र और श्रोत्र द्रव्य हो जाते हैं और 4000 कोष यहाँ पे लिखा यानी योजन सहस्रम करके है, यानी 1000 योजन चलने में समर्थ हो जाता है व्यक्ति, इतना ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए 26 नंबर जो श्लोक है ना, 26 नंबर श्लोक, उसकी हेडिंग है द्वितीय इंद्रोक्त रसायन, द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। इसकी हिंदी में देखना 4th लाइन बिल्कुल मिड में एक वर्ड है द्वारदा, उसको आपने हाईलाइट किया, द्वारदा सागौन का पर्याय है। एक बार हमने आपको बताया भी था जब चरक हम फर्स्ट पढ़ रहे थे उसमें भी आया था ये द्वारदा, किसका सागवान जो होती है ना सागौन उसका पर्याय है। तो द्वितीय इंद्रोक्त रसायन देखिए हमारे क्या है, रसायन में हमने क्या पढ़ते हैं 6, 37, 16 और 4 ऐसे पढ़ते ना, तो ये जो लास्ट पाद है 4th पाद में 4 ही कॉम्बिनेशन है, तो प्रथम इंद्रोक्त रसायन, द्वितीय इंद्रोक्त रसायन और द्रोणी प्रावेशिक हमने पढ़ ही लिया। 27 नंबर श्लोक में देखिए कुटी प्रावेशिक और वातातपिक रसायन विधि के योग्य कौन है, ऐसा बोला गया। तो बोलते जो व्यक्ति सभी साधन एकत्रित करने में समर्थ हो, मतलब आप कोई भी चीज कोई भी ड्रग उसको बोलो तो वो कलेक्ट कर सके, धीमताम जो क्या है शारीरिक मानसिक सभी चिंताओं से निवृत्त है, बुद्धिमान है, अपने आप को वश में रखने वाला है, चंचल नहीं है ऐसे, और बोलते हैं वो जिसके पास परिवार आदि से संपन्न हो, टाइम हो जिसके पास। कुटी प्रावेशिक में हमने क्या बोला पेशेंट के आप शरीर की शुद्धि भी करोगे, स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको एक कुटी में रखोगे, उसको आहार विहार सभी चीजें पालन करनी पड़ेंगी, टाइम टू टाइम हर काम करना पड़ेगा जो बताया जाएगा। तो क्या है किसको आप ऐसा कराओगे, अब आपको कोई बोलने की आपको कुटी प्रावेशिक रसायन सेवन करना, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको क्या होगा कि हमें पढ़ना भी है, कोई भी काम है जैसे करना भी है, तो आपके पास पहले तो टाइम होना चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है। टाइम हो, आप सभी चीजें एकत्रित करने में समर्थ हो, चिंता ना हो, अपना मन आपके वश में हो, वो कुटी प्रावेशिक का प्रयोग कर सकते हैं। और जिस जो इसके विपरीत है, जिसके पास टाइम नहीं है, परिवार आदि से जो ज्यादा संपन्न नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है ना आप कहीं और चले जाओ तो आप घर में आपका काम कौन करेगा उसके लिए, तो परिवार से संपन्न है जो चीज चाहिए आपको कोई लाके देने वाला है उनको ही प्रयोग कराते हैं। बाकी आपको क्या करना है अपनी डेली एक्टिविटी करते हुए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वातातपिक रसायन का प्रयोग करते हैं, तो वो वातातपिक के योग्य है। 28 नंबर श्लोक में आइए आप, तयो श्रेष्ठ तरह पूर्व,
यानी इनमें से श्रेष्ठ जो होती है रसायन विधि पूर्व पहले वाली होती है। पहली कौन है? कुटी प्रावेशिक बताते हैं। तो कुटी प्रावेशिक ज्यादा बेस्ट है। सतु दूसतरा हाईलाइट कीजिए इसको, सतु दूसतरा, लेकिन वो कठिन होती है। ठीक है तो अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन दूसतर है, मतलब कठिन होती है। फिर इसके बाद हमारी हेडिंग को हाईलाइट करना, अचार रसायन। अचार रसायन का जो विधि है वो सबसे लास्ट पाद में बताई गई है। यानी अचार रसायन का मतलब क्या कि आप इंटरनली पेशेंट को कुछ ऐसी औषधियां नहीं देते, लेकिन ऐसे अचार, ऐसा बिहेव करने को बोलते हो जिसकी वजह से उसको रसायन के गुणों की प्राप्ति हो, वो होता है अचार रसायन। तो इसके ये जो पूरा श्लोक है आपको एक बार पढ़ जरूर लेना चाहिए इसको, ठीक है? इसमें क्या क्या आता है? सत्यवादिनम अक्रोधम, सत्य बोलने वाला हो, गुस्सा ना करे। निवृत्तम मध्य मैथुनात, मध्य और मैथुन से निवृत्त हो। अहिंसकम अनायासम, हिंसा ना करे, आया ज्यादा थकावट वाले काम नहीं। प्रशांतम प्रियवादिनम, शांत रहता है, अच्छे से बोलता है सबके साथ। जप शोच परम धीरम, दान नित्य तपस्विनम, तप दान आदि इनमें लगा हुआ है जो। देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्धार्चने रतम, ये जो पुरुष बताए गए देवता हैं, गो हैं, ब्राह्मण आचार्य, इनकी पूजा में रत रहता है, रिस्पेक्ट देने वाला हो इनको। अनिशंस्य परम नित्यम नित्य करुण वेदनम, क्रूरता से दूर है, ठीक है, सर्वदा हर किसी पर दया ही करता है ऐसा। सम जागर स्वप्नम, यानी उसका सोने के टाइम भी नॉर्मल है, जागने का टाइम भी नॉर्मल है। नित्यम क्षीर घृताशिनम को आपने हाईलाइट किया, डेली दूध और घी का सेवन जो कर रहा है। देश काल प्रमाणज्ञम युक्ति कृदम अनंकृतम, मतलब जो अपने देश को, काल को या मात्रा को जानने वाला हो, युक्ति को जानने वाला हो, अनंकृतम अहंकार ना करता हो। शस्ताचारम असंकीर्णम, शस्त्र आचार विचार जिसके प्रशस्त हो, उत्तम हो, असंकीर्ण, छोटी सोच, ऐसे बोलते हैं ना, संकीर्ण सोच वाला ना हो। अध्यात्म प्रवण इंद्रियम, अध्यात्म की तरफ अपने आप को लगाने वाला है। उपासितारम वृद्धा नाम, जो वृद्ध हैं उनका क्या कल्याण करने वाला। आस्तिका नाम जितात्मना, आस्तिक होना चाहिए, जितात्मा होना चाहिए। धर्म शास्त्र परम विद्यात नरम नित्य रसायनम, नित्य रसायन इसको बोला गया, नित्य रसायन जो ये वर्ड है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, नित्य रसायन। गुण गुणेते समुदिते प्रयुक्तो रसायनम, रसायन गुणान सर्वान यक्तोक्तान स समश्नुते। एक बार BHU में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लिख सकते हैं वो क्वेश्चन। चरक के अनुसार नित्य रसायन है, चरक के अनुसार नित्य रसायन है। ऑप्शन से त्रिफला रसायन, हरित की रसायन, अचार रसायन, मेध्य रसायन, ये लिख लीजिए, त्रिफला रसायन, हरित की रसायन, अचार रसायन, मेध्य रसायन, ऐसे करके। तो टिक कर लीजिए अचार रसायन को, अचार रसायन में बोला है, नित्य रसायन बोलते हैं इसको, ठीक है। अद्रव्य रसायन भी बोलते हैं इसको, मतलब आपने कोई द्रव्य नहीं दिया, अचार ऐसा करना है, तो ये अचार रसायन का यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 44 नंबर जो श्लोक है, पेज नंबर 60 पे, 44 नंबर श्लोक में इसके नीचे जो हिंदी दी हुई है कि अश्विनी कुमारों के सफल कार्यों की गणना यहाँ पे की गई। तो थर्ड नंबर श्लोक से, थर्ड नंबर लाइन से देखना, यज्ञ का शिर जो कट गया था उनको पुनः जोड़ दिया था, पूषा के दान जो टूट गए थे उनको, या भग हैं जो उनके नेत्र नष्ट हो गए थे, इंद्र को भुज स्तंभ हो गया था तो उन्होंने ही लाभ दिया था। चंद्रमा के शरीर से सौम्य धातु नष्ट हो गई थी यानी राजक्ष्मा हो गया था, तब भी अश्विनी कुमारों ने ठीक किया था। फिर हाईलाइट करना भृगु वंश में उत्पन्न जो चवन ऋषि हैं, वो जब उनकी वृद्धावस्था हो गई थी, विकृत अवस्था को प्राप्त हो गए थे, तो उनको क्या किया था, चवन प्राश बोलते हैं ना, चवन ऋषि के नाम से ही है, उसको खाने के बाद युवा अवस्था उनमें आ गई थी फिर से, ऐसा बोला जाता है। तो भृगु वंश में उत्पन्न हुए चवन ऋषि को चवन प्राश दिया गया था। फिर है हमारा 51 नंबर श्लोक की पहली लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए, शालीवान मतिमान युक्तो द्विजातीय शस्त्र पारगय, शास्त्र पार गया, सॉरी, शीलवान है जो, मतलब स्वभाव अच्छा है, मतिमान बुद्धिमान है, युक्ति है जिनमें, द्वि जाति हैं और शास्त्र को अच्छे प्रकार से जानने वाले हैं।
प्राणी भी गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य ही स्मृति। आपसे पूछेंगे ये सारी ये लाइन लिख के देंगे कि ये किसके गुण है। ऑप्शन में होगा कि सिद्ध साधित वैद्य है या छदम चर के हैं। तो इस तरीके से तो प्राणाचार्य की परिभाषा में ये पांच गुण बोले गए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बताया गया द्वि जाति क्यों बोला। नेक्स्ट श्लोक में बोला 52 में विद्या समाप्तो विशदो द्वितीय जाति उच्चते। वैसे तो हम क्या है नॉर्मल सभी ह्यूमन बीइंग की तरह हम भी हैं। फिर उसके बाद जब हम अपनी विद्या समाप्ति कर लेते हैं मतलब जब हमने जैसे बीएमएस की एमडी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी द्वि जाति हो जाती है दूसरी जाति हो जाती है वैद्य आप कहलाओगे ठीक है। इसलिए द्वि जाति उसको बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा 53 में फिर से बोला वैद्य द्विज कैसे हुआ। विद्या समाप्ति हो जाने पर हिंदी में देखना विद्या की समाप्ति हो जाने पर वैद्य के शरीर में हाईलाइट करना ब्रह्म सत्व और आर्ष सत्व ये प्रवेश हो जाते हैं ये दोनों चीजें एंटर हो जाती हैं इसलिए द्विजातीय बोल देते हैं उसको। ये नेक्स्ट देखिए 58 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला गया चिकित्सा करते हुए जो वैद्य है वो न ही अर्थाम न अपि कामार्थाम अथ भूतादय प्रति वर्तते यत् चिकित्साम सम सर्वम अति वर्तते। मीन्स जो वैद्य अर्थ मतलब धन पाने की इच्छा से काम अपनी चीजों को कंप्लीट करने की इच्छा से मतलब ये सब इन पे ध्यान ना दे पैसे वैसे की तरफ ध्यान ना दे केवल प्राणियों पर दया करने की दृष्टि से जब अपना काम करता है तो वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बोला जाएगा ठीक है। फिर है नेक्स्ट श्लोक को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं ये सिर्फ क्या है हमारे इथिक्स बताए गए हैं किस तरीके से डॉक्टर को काम करना चाहिए। यहाँ पे बोला कुरुते ये तु वृत्त्यर्थम वृत्ति के अर्थ से जब आप चिकित्सा कर रहे हो चिकित्सा पण्य विक्रम ते हित्वा कांचन राशिम पांशुम राशिम उपाशिते। मीन्स कांचन राशि जो स्वर्ण राशि है उसको तो छोड़ रहे हो आप जो धूल है उसको इकट्ठा कर रहे हो ऐसा बोलते हैं। मतलब जो चिकित्सक सिर्फ चिकित्सा व्यापार के तरीके से कर रहा है एक एज अ बिजनेस की तरह कर रहा है मतलब सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप अपनी ड्रग्स बेच रहे हो ऐसा अपनी विद्या बेच रहे हो एक तरीके सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो चिकित्सा करते हैं ना वो स्वर्ण नहीं कमा रहा मतलब पैसे नहीं कमा रहा वो धूल राशि के एकत्रित कर रहा है ऐसा बोला गया। मतलब आपको अपनी क्या होता है जब आप पेशेंट को देखते हो ऐसा बोला जाता है ना एक पेशेंट आपका एक बुक की तरह होता है एक हर एक पेशेंट में कोई भी है नए सिम्टम आपको मिलेंगे जानने को हर चीज मिलती है आपको। तो क्या है जब आपके पास पेशेंट आता है वो पेशेंट आपको भी नॉलेज देके जा रहा है हर चीज हर किसी को नहीं पता होती है ठीक है। हम भी जो आपको जितना हमें पता है वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ ही पता है समझ रहे हैं आप। तो क्या है कि आपको क्या करना है अपना आपका क्या फायदा होगा पेशेंट देके आपकी नॉलेज बढ़ती है प्लस में आप अपना टाइम उसको दे रहे हो तो वो वृत्ति तो होगी आपकी लेकिन मेन मोटिव आपका क्या होगा उस पेशेंट को ठीक करना है अपनी नॉलेज को बढ़ाना है ठीक है। लेकिन अगर आप मेन मोटिव क्या रखते हो पैसा कमाना तो फिर आप क्या कर रहे हो जो स्वर्ण है उसको तो छोड़ रहे हो धूल है उसको इकट्ठा कर रहे हो ऐसा बोला गया है। 61 नंबर श्लोक में देखना सेकंड लाइन में 61 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में हाईलाइट करना नहीं जीवितम दानम ही दानम अन्याद विशिष्यते। मतलब जीव दान से बड़ा कोई दान नहीं है ऐसा बोला गया। तो चिकित्सक तो जीवन देता है औरों को जो डॉक्टर है तो वो तो सबसे बड़ा दान हो गया ऐसा बोला गया है। यहाँ पे ये हमारा ये जो रसायन अध्याय है ये कंप्लीट होता है यानी रसायन के चौथा पाद है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। जहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है 64 नंबर पेज पे आप आइए यहाँ पे ये एक टेबल बनाई हुई है पूरा इसमें कंक्लूड करके लिखा है जैसे अभ्या अम्ल की रसायन पाद है तो उसमें कौन कौन से बताया गया तो यहाँ से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। प्रथम ब्रह्म रसायन द्वितीय ब्रह्म रसायन चवन प्राश आम्लक आम्लक रसायन है हरित के आदि दो योग है। फिर प्राण काम्य द्वितीय में नागबल्ला रसायन यानी 19 जो बलादि रसायन है फिर भल्लातक क्षीर है वो सब बताया भल्लातक के जो योग है वो बताए गए हैं। फिर तृतीय में आम्लक आयास केवल आम्लक इंद्र रसायन चार मध्य रसायन इसमें है पिपली इसमें है पिपली वर्धमान इसमें है त्रिफला इसमें है शिला जतु है तृतीय में। चौथे में आपका आचार रसायन है द्रोणी प्रावेशिक है और इंद्रोक्त रसायन प्रथम और द्वितीय है। तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एक और चीज ये जो कर प्रचीति है ना इसमें आप देखना पिपली वर्धमान रसायन को हाईलाइट कर लीजिए पिपली वर्धमान को। तो आपको क्या याद रखना है अभी वाजीकरण जब हम पढ़ेंगे ना वाजीकरण उसमें भी हमारा आता है पिपली के योग
तो वाजीकरण पिपली योग भी है। तो पिपली योग जब आता है रसायन या वाजीकरण के अकॉर्डिंग आपको पूछते हैं चरक में, तो वो हमेशा तृतीय पाद में ही होगा, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे भी पिपली वर्धमान तृतीय पाद में है, जब हम वाजीकरण में पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी पिपली वाला जो योग है वो तृतीय पाद में ही बताया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा रसायन जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।